नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। राष्ट्रीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। वन में सभी खिलाड़ियों ने परेड कर अतिथियों को दी सलामी। मनाया गया पुलिस शहीद दिवस। शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने कहा कि सिंध के भारत में विलय के बिना हमारा राष्ट्र पूरा आजाद हो। चैन स्नेचर्स महिला के गले से तोड़ी सोने की चैन। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। वहीं टीटी ने पुलिस कर्मी की कर दी पिटाई। मंडल अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए कवायद भी तेज। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रयास और शहर की बैठा। और टैक्सी ट्रेन से गिरने से युवक की मौत। सैटेलाइट अस्पताल के कर्मचारी और चिकित्सकों पर लापरवाही का लगाया आरोप। वहीं क्रेडिट कार्ड से हुई ऑनलाइन ठगी।